नमस्कार दगड़ियों, शिमन्य शिवस्वामी गढ़वाली मातृभाषा आंदोलन के अभियान में आपको एक बार फिर से स्वागत छी। दगड़ियों, आज हम यहाँ छिन एक और उखाण लेते और ये उखाण बोन से पहले एक पृष्ठभूमि पर बातचीत कला कि के पृष्ठभूमि में उखाण बोलिन जान। दगड़ियों, माता अनुसुईया को एक प्रसिद्ध मंदिर छी मंडल घाटी गोपेश्वर जन पश्चिम उत्तराखंड में और तेज से संबंधी उखाण छी। हर साल दत्तात्रेय जयंती के दिन तक म्यूद लगुद माँ को और तो खास तौर पर यू मान्यता है कि जो निसंतान दंपति छिन अगर से श्रद्धा से दिल से माँ को स्मरण कर दा तो संताने उत्पत्ति हुई जाती। तो माता अनुसुईया को जो मंदिर छी वो मंडल घाटी में छी और गोपेश्वर बटी लगभग 15 किलोमीटर दूर अपन मंडल गाँव तक जान, ताम बटीन 5 किलोमीटर ऐंच माता जी को मंदिर छी और तो दत्तात्रेय जयंती दिन द्वि दिनों म्यूद लगद। खास तौर पर खल्ला गाँव बटीन जो माँ की डोली छी तक बटीन माँ की डोली जानी, बणद्वार बटीन जानी, कठोड़ गाँव बटीन जानी और तख माता को मिलन हुनु माथी और तो रात भर जो निसंतान दंपति छिन यूँ तो बरो ही बोलदा सी तो रात खड़ो दिया करदा या तो मनन करदा तो भाव से बैठिया रहंदा तो पूजा पाठ करदा और ध्यान करदा माता को। अब बोलता छिन रात में नींद पड़ जानी, जरा नींद बिजुलिन बीच में तो मैं समझ माता की कृपा होगी कि जो भी खास तौर पर निसंतान दंपति छिन जिन अपन देखो श्रीनगर में भी लोग कमलेश्वर मंदिर में बैठा छिन तो ये कथा ये विश्वास लोग यो भी प्रचलित छी। और माता अनुसुईया जो तो कि दत्तात्रेय की माँ भी बोलता अत्रि मुनि जी की सी पत्नी छा और बोलियो नहीं अब आर की भगवान विष्णु जी भगवान शिव शंकर ब्रह्मा जी की पत्नी है, तीनों थे लक्ष्मी जी थे सरस्वती जी थे और सती जी थे। बहुत अहंकार वेख चुके हमसे ज़्यादा पतिव्रतक हुए नहीं तो तब नारा जी बोल ना भाई तुमसे ज़्यादा पतिव्रत है और एक और माता जी अनुसुईया तो ना अपने पति तो बोले भाई जिन करी तुम जो तुम पतिव्रत की धर्म की परीक्षा लेवा और तुम जब तो पतिव्रत धर्म भंग करा। तो भगवान विष्णु जी भी ब्रह्मा जी भी और शिव जी भी जो ची जो अगे बनी तो चलिया तो अतिथि सत्कार कर बैठे तो यो शर्त दिली भाई तुम निर्वस्त्र हुए के अतिथि सत्कार कर नहीं हम तुम्हारी भिक्षा या अतिथि सत्कार नहीं लेला। तो माँ अनुसुईया बहुत पतिव्रत छे तो अपने पति ध्यान करी और तेरे ध्यान से तो जो ची शक्ति लीनी और तो तीनों बच्चों ते बाल रूप में परिवर्तित करी और तो स्तनपान कराए दूध पिलाए। तो जब बहुत दिनों तक से वापस नहीं जाए तो सती जी लक्ष्मी जी सरस्वती जी परेशान हो गया। तब तो पता चले कि सी माता अनुसुईया तो बाल रूप दिली, तब से तो आया तो क्षमा मांगी कि हम तुम्हारे पतिव्रत धर्म की जो चीज परीक्षा ली नहीं ये में आप जो चीन उत्तीर्ण होगी नहीं तुम उन्हें पार के लिए हम आपसे क्षमा मांगता अब हमारा पति देव होते मूल स्वरूप में वापस कर दिया। और तई पर कहानी जुड़ी हुई थी और तो तब मूल स्वरूप में वापस चल दिन क्षमा याचना दगड़ी और तई के बाद जो दत्तात्रेय भगवान जी को जन्म तो कोकबटीन हुनु तई वास्ते पूरे देश में आजाद दिन जो ची दत्तात्रेय जयंती मनाई जाती। तो हमारा गढ़वाल में बहुत प्रचलित चीज हो कि जे जो झड़ा जो दंपतियों का जो पति पत्नियों का बच्चा नहीं होना माँ अनुसुईया को ध्यान करता है। तो ये कहावत चौ जो लोग माने तो लोग प्रचलित ची कि जौन संगति बटिन मानी हार या जौन संगति बटिन पाए हार तो उनको अणसीमान करी उधार। ये वो खाण चौ जौन संगति बटिन पाए हार तो उनको अणसीमान करी उधार, अर्थात जो बहुत जगह से हार मान हो गए थे कि बच्चे नहीं हो रहे, अंत में वो अनुसुईया माता के दरबार में जाते हैं और उनका उद्धार हो जाता है और उनको पुत्र रत्न की या पुत्री की प्राप्ति होती है। तो यहाँ देखला आप गढ़वाल में हर गाँव में ये क्यों दो दिनों के लिए हर गाँव में विश्वासी लोग मान्यता थी लोग जन चिंता दत्तात्रेय जयंती के दिन और माँ को ध्यान करता तो बच्चों की प्राप्ति होंगी। यहाँ देखला आपके हर गाँव में ये क्यों दूधी बच्चा अणसिनों का होला तो स्थानीय भाषा में माँ अनुसुईया थे अणसी बोधा और जो गाँव में अगर बेट पैदा हुई तो तब अणसिनो होता छतने को और ये लोड़ पैदा हुई तो ते लड़का पैदा हुई तो अनुसुबोध छा या अणसुबोध छा और तब ते नो बाद में अनुसुईया हुन्छु अनुसुईया बेटी नो हुन्छु और बेटो नो हुन्छु। ये बड़ी मान्यता छे कि लोग कई बार अस्पताल चक्कर कट घटी परेशान हो जाना और दियो दीप तुम भी जाना और कई दुनिया देश भरा डॉक्टर में विदेशों में इलाज करूँगा लेकिन बच्चा न्यूनत होते तो भी बड़े श्रद्धा चाहिए कि माँ अनुसुईया में एक बार जला तो आप माँ अनुसुईया आपकी गोद भर दे ली और आप तो बच्चों की प्राप्ति हो ली। तो ये उखाण बहुत प्रचलित थी माँ का श्रद्धा का वास्ता माँ का प्रति जो लोग समर्पण भाव रखता जो विश्वास रखता
कि जौन संगति बटिन खाए हार, जौन संगति बटिन पाए हार, तो अणसीमान करे उधार। तो आप सब लोगों के भी शुभकामना चाहिए कि माँ अनसुया आप सब लोग उतें राज खुशी रखो। धन्यवाद।